बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा है और जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो एग्जामिनर की कलम से आपकी कॉपी में नंबर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे और साथ ही साथ वह आपको किसी भी हाल में फेल नहीं कर पाएगा। आखिर वह कौन सी बातें बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में आपको ध्यान रखनी है जिससे आप एग्जामिनर को मजबूर कर दें कि वह आपको ज्यादा ज्यादा मार्क्स दें और फेल करने के बारे में वह सोच ना पाए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहला काम यह करना है, जो आपकी कॉपी में फर्स्ट पेज आता है उसके डिटेल्स को आपको सही तरीके से भरना है। तो पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वह यह है, फिल योर डिटेल्स प्रॉपरली एंड करेक्टली। आप अपने जो OMR शीट आती है, जो आपकी कॉपी से अटैच होती है, उसके अंदर जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड, क्वेश्चन पेपर कोड, ये सारी डिटेल्स, रोल नंबर, इनवर्ड्स, इन डिजिट्स, ये सारी चीजें आपको बहुत सही तरीके से भरनी है। पहला काम जो आप एग्जामिनर से पास होने की सीढ़ी आपको दिलाएगी वह यही होगी कि अपनी कॉपी की सभी डिटेल्स को आपको बिल्कुल सही तरीके से भरना है, और यह डिटेल्स आप वही भरेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन की गई है। इसके अलावा कुछ भी गलती आपको नहीं करनी, आप कोई भी अदर चीज अपने आप से नहीं भरेंगे, सारी चीजें आपको एग्जाम के एडमिट कार्ड में मेंशन होती है, आप वहां पर चीजें देख करके भरेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर का कोड होता है, सेट होता है, ये सारी चीजें आपको देख करके भरनी है, जो कि हर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चेक किया जाता है कि जो डिटेल आपने भरी है क्या वह डिटेल सही है या नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपकी कॉपी का मार्किंग किया जाता है और आपका रिजल्ट सही तरीके से पब्लिश होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, आपके पेपर में इंस्ट्रक्शन में यह पहला ही पॉइंट होता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अपने एग्जामिनर से पासिंग मार्क्स आप सिक्योर करना चाहते हैं हर हाल में, तो आपको करना यह है कि आप हर क्वेश्चन के जवाब को जरूर देंगे, किसी भी क्वेश्चन के जवाब को आप नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का आया और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ते हुए सिर्फ 50 मार्क्स के पेपर को अटेम्प्ट किया, तो एग्जामिनर को आपने मौका दे दिया कि वह आपकी कॉपी को सिर्फ 50 मार्क्स में इवैल्यूएट करे, जबकि अगर आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो आपकी कॉपी पूरे के पूरे मार्क्स में चेक होती और कहीं ना कहीं आपको इन 30 नंबरों का फायदा होता और यही आपको पासिंग मार्क्स सिक्योर कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करते। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि अगर हमें कोई क्वेश्चन ना आए तो हम क्या करें। देखिए, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप जितना जानते हैं, जो जानते हैं, फॉर्मूला, कोई भी चीज आप जानते हैं, उस चीज को उस क्वेश्चन में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि एग्जाम में आपका स्टेप मार्किंग होता है और आपको बोर्ड की तरफ से यह पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स देने का प्रयास किया जाएगा। आपने जहां पर एफर्ट लगाया है उस एफर्ट की वैल्यू करते हुए आपको एग्जामिनर जरूर मार्क्स देगा। अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको कम से कम 1.5 मार्क्स, हो सकता हो आपने अच्छा लिखा हो तो आपको 2.5 मार्क्स भी मिले। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2-3 नंबर भी यहाँ मिल सकते हैं। ये आपके लिखने के ऊपर है कि आप उस क्वेश्चन में जो जानते हैं वह इन्फॉर्मेशन कितनी जरूरी है, कितनी रिलेटेबल है, ये आपको मार्क्स वहां पर दिलाएगी। तीसरी और अंतिम बात आपको ध्यान रखनी है वह है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। देखिए, एग्जामिनेशन में आप ये बात जान लीजिए कि जो विद्यार्थी आंसर को प्रेजेंट करना जानता है वही एग्जामिनेशन में चैंपियन बनता है। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब अपने आंसर को आप प्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि आप एग्जामिनर को अपनी क्वालिटीज को सबसे पहले दिखाइए और बाकी चीजों को बाद में आपको रखना है। आप जिस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि क्या आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, क्या आप इसमें टेबल का यूज कर सकते हैं, क्या आप इसमें डिफरेंशिएट करके आंसर लिख सकते हैं, क्या आप इसमें पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं, और कौन सी हेडिंग, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको आप आंसर के फ्रंट में रखेंगे, उनको आप आंसर के टॉप में रखेंगे। यानी क्वालिटी कंटेंट को आप अपने शुरुआती लाइंस में रखेंगे, और अगर ये स्किल्स आपके अंदर है और आप एक नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग के साथ लिख सकते हैं, ऐसी राइटिंग लिखें जिसको एग्जामिनर को रीडेबल हो, लेजिबल हो, चेक करने में उसमें उसे स्मूथनेस का एहसास हो, आपकी कॉपी को देखकर उसके मन में इरिटेशन ना हो, तो यही कुछ स्किल्स हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पासिंग मार्क्स दिलाएंगी और एग्जामिनर से
ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको दिलाएंगी। अब आप सभी की परीक्षा बहुत ही नजदीक है, आपको इन तीन स्किल्स पे जरूर काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका परिवार निरंतर बढ़ता रहे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।